आप बिल्कुल अवॉइड करें तो बैक्टीरिया को पनपने का एक सोर्स पैदा करते हैं। दवाइयों का सेवन आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट ना हो। इस प्राइवेट एरिया को पानी से जरूर धोएं। और उस तो आज मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको व्हाइट पानी आने की समस्या में काफी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दवाइयां भी सजेस्ट करूंगी जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, जिससे आपके वजाइनल डिस्चार्ज में काफी कमी महसूस होगी और आपको बिल्कुल रिलीफ महसूस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन चीज जो आपको फॉलो करनी है, आप अपने प्राइवेट पार्ट को सूखा रखें। अगर आपका प्राइवेट पार्ट सूखा नहीं होगा तो मोस्टली वो बैक्टीरिया को पनपने का एक सोर्स पैदा करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज आप फॉलो कर सकते हैं वो है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि आप जब भी अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स में एंगेज होते हैं तो उसके बाद आप यूरिन पास जरूर करें, अपने प्राइवेट एरिया को पानी से जरूर धोएं और उस एरिया को क्लीन करके ड्राई करके तब अपने अंडरगार्मेंट्स आप पहने और हमेशा बैरियर मेथड या कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। नंबर थ्री, आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए ये शेविंग रेजर या फिर वीट या फिर केमिकल पील्स या फिर ब्लीचिंग आइटम्स, ये सारी चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करें। वी वॉश वगैरह बिल्कुल ना लगाएं, लैक्टो वॉश बिल्कुल ना लगाएं। ये आपके जो वजाइनल एरिया है या फिर जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहां के पीएच को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली आपके वजाइना में एंटर करते हैं और आपको बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं एबनॉर्मल अमाउंट में। नंबर फोर, जब भी आप पब्लिक टॉयलेट्स में जा रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो जो पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज कर रहे हैं वो थोड़े हाइजीनिक हो, साफ सुथरे हो। नंबर फोर, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए आप नॉर्मल सोप जो आप अपनी बॉडी में लगाते हैं जो कि माइल्ड सोप होते हैं और पानी, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। अब पांचवा कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें। नंबर सिक्स, जब भी आप अपना यूरिन पास करने जा रहे हैं या फिर मोशन पास करने जाते हैं मेक श्योर करें कि आप जो वाइप करते हैं वो बैक से फ्रंट वाइप ना करें, वो मोस्टली फ्रंट से बैक में वाइप करें। नंबर सेवन की जितने भी ये ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो मार्केट्स में आते हैं जो क्लेम करते हैं कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है इससे जो उसका कालापन है वो दूर हो जाएगा या फिर आप अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन बना सकते हैं, गोरा बना सकते हैं, प्लीज इन सारे स्कैम से दूर रहें। नंबर एक, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वजाइनल वॉश है जैसे कि वी वॉश, मार्केट वॉश, लैक्टिव वॉशेस, इन सब से भी आप दूर रहें जितना भी हो सकता है तो। और नंबर 10 है कि कुछ ऐसे मेडिकेशन जो आप ले सकते हैं अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। जो दवाइयां मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दवाइयों का सेवन आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट ना हो। तो सबसे पहली दवाई जो आप यूज कर सकते हैं वो होती है मेट्रोजिन जो कि 400 मिलीग्राम के डोज में आती है और डॉक्सीसाइक्लिन जो 100 मिलीग्राम के डोज में आती है। ये दोनों दवाइयों को आप सुबह शाम या कम से कम 2 हफ्ते तक लें। इसके अलावा थर्ड मेडिकेशन जो सजेस्ट करते हैं वो होते हैं आपके फ्लूकोनाजोल के टैबलेट्स। जो फ्लूकोनाजोल का टैबलेट होता है वो फ्लूकॉन के नाम से आता है और ये 150 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है और ये आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज के साथ बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो। चौथा इम्पोर्टेंट मेडिकेशन जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो होता है वजाइनल पेसरीज, यानी कि वजाइना के अंदर रखने वाली दवाइयाँ। वो कुछ इस नाम से आती हैं, नंबर 1 कैंडिड V3, नंबर 2 कैंसॉफ्ट CL वजाइनल पेसरी, नंबर 3 क्लिंजन फोर्ट वजाइनल पेसरी। ये तीनों पेसरी जो है वो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ले। इसको वजाइना में रात को सोने से पहले इंसर्ट किया जाता है 3 दिन के लिए या फिर 6 दिन के लिए।